वेलकम बैक फ्रेंड्स। सी वीडियो नंबर वन में हमने देखा था कि यूरोपियंस इंडिया क्यों आए, बाद में हमने देखा कि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, वास्को डा गामा द पोर्चुगीज सेलर सबसे पहले इंडिया आए, बाद में पोर्चुगीज ने इंडिया में कैसे एक्सपांड किया और स्लोली उनका रूल इंडिया में कैसे ख़त्म हो गया। अब हम आगे ये वीडियो को लेके जाते हैं। तो पोर्चुगीज के बाद करीबन 100 साल बाद पोर्चुगीज इंडिया कब आए, 1498, राइट। उसके 100 साल बाद एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द डच ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड को अभी नेदरलैंड्स बोलते हैं, तो द डच ऑफ हॉलैंड्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, स्टार्टिंग में पुलिकट एंड मद्रास, साउथ इंडिया में पुलिकट और मद्रास, मद्रास को अब आज हम चेन्नई नाम से जानते हैं, वहाँ पे अपना फोर्स इस्टेब्लिश किए। स्लोली आगरा में भी उन लोगों ने एक ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया 1663 में। सी आगरा क्यों, हर बिजनेस, हर यूरोपियन पावर आगरा में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का इच्छा रखता था, कारण बिकॉज उस समय दिल्ली या आगरा जो था वो मुगल एम्पायर का कैपिटल था और मुगल एम्पायर पूरे इंडिया पे उसका कंट्रोल था डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली। तो मुगल का फ्रेंड तो टेंशन नहीं, तो अगर मुगल एम्पायर या मुगल बादशाह ने आपको परमिशन दे दिया बिजनेस करने का तो कोई मायका बाप मायका लाल आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई मायका लाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आप आराम से पूरे इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे जहाँ पे भी मुगल का कंट्रोल रहेगा। दैट इज वाई डच लोगों ने भी आगरा में 1663 में भी मुगलों का परमिशन लेके अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश लोग इंडिया आए एंड ब्रिटिश ने का कंपटीशन लग गया, पहले पोर्चुगीज के साथ, डच के साथ, फ्रेंच के साथ, अंदर अंदर वो कॉम्पिटिशन में डच लोग टिक नहीं पाए। यूसे सूरत में भी एक जमाने में पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश चारों चार का सूरत में ट्रेडिंग सेंटर था, लेकिन आखिरी में सिर्फ ब्रिटिश ही टिक पाया, बाकी सबको ब्रिटिश ने एक एक करके साफ कर दिया, राइट। तो अभी ब्रिटिश की बात करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ जब इंग्लैंड की रानी थी तब 1600 का साल में 1600 CE, वर्ड CE कम्स, CE इज नथिंग बट कॉमन एरा, एंड उससे पहले का BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, पहले उसको BC और AD के नाम से जानते थे, लेकिन आज अभी CE एंड BCE। तो 1600 CE में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया। अब ये ब्रिटिश यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, एक मर्चेंट्स का एक ग्रुप बना, इंग्लैंड में एक व्यापारियों का ग्रुप बनाया उन लोगों ने, अकेला कोई व्यापारी की औकात नहीं थी कि इंडिया जाके बिजनेस करे, तो पूरा लगभग 12-13 व्यापारी एक होके एक कंपनी इस्टेब्लिश को उसको उसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कंपनी के ओर से क्वीन एलिजाबेथ को की परमिशन मांगी कि आप हमें इंडिया में बिजनेस करने का मौका दीजिए। सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ के पास गए कि आप बिजनेस चालू करो ना, आप मिशन भेजो इंडिया, तो क्वीन एलिजाबेथ ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो ये बिजनेसमैन ने ही अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि आप हमें हमारी कंपनी को राइट्स दे दो इंडिया में बिजनेस करने का, राइट, और उससे आपको भी फायदा होगा। सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट ब्रिटिश शिप सूरत का पोर्ट पे उतरी इन द ईयर 1608। उसका कैप्टन W. हॉकिंस था, वो फर्स्ट ब्रिटिश आदमी है जिसने इंडिया में पैर रखा। वो सूरत से उतर के आगरा पहुंचा, एम्परर जहांगीर को मिला, लेकिन एम्परर जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दिया बिकॉज उस समय ऑलरेडी पोर्चुगीज लोग थे, डच लोग थे, और उनका झमेला चल ही रहा था एक्चुअली, राइट। सो जहांगीर वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू अलाउ ब्रिटिश टू ट्रेड। कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, सर थॉमस रो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव बनके वापस इंडिया आया, एंड उस समय वापस वो एम्परर जहांगीर को जाके मिला
एंड सोमर शायद उस समय एम्परर जहांगीर कोई अच्छे मूड में था तो उसको परमिशन मिल गया और इसके कारण ब्रिटिश ने सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया। हमारा जो आईपी मिशन स्कूल है ना मुगलिसरा में, तो आईपी मिशन स्कूल वो सूरत में ब्रिटिश लोगों का पहला गोडाउन था पूरा इंडिया का, फर्स्ट गोडाउन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज अपियर इन सूरत। उसके बाद शाहजहां राजा बना दिल्ली का आफ्टर जहांगीर, एंड शाहजहां कुछ ज्यादा लिबरल आदमी था और शाहजहां था ना बहुत आर्ट्स और ऐशो आराम प्रिय आदमी था और ब्रिटिश लोग चमचे मारने में एक्सपर्ट थे। वो तो शाहजहां के लिए ये गिफ्ट वो गिफ्ट लेके गए और शाहजहां को तो अचंभित कर दिया एंड शाहजहां ने उनको बिजनेस करना अलाउ कर दिया, इवन बंगाल में भी ट्रेड करना अलाउ कर दिया। ब्रिटिश के कुछ साल बाद लास्ट जो यूरोपियंस इंडिया आए वो थे फ्रेंच। फ्रेंच लोगों ने भी अपना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया 1664 में, यानी ब्रिटिश के 50 साल बाद, और वो भी इंडिया आए, उनको इंडिया में परमिशन मिल गया तो उन लोगों ने सूरत देन मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी, दैट आज पौंडीचेरी का पुडुचेरी नाम है आज, तो वहाँ पे यानी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में तमिलनाडु के साइड वहाँ पे ये दो सेंटर इस्टेब्लिश किए। फ्रेंच लोगों का जो हेड था उसका नाम था जोसेफ फ्रेंकोइज डुप्लेक्स, उसको यूरोपियन रूल यानी फ्रेंच का रूल को इंडिया में एक्सपांड करने की बहुत इच्छा थी। सी 1664 उस समय दैट ब्रिटिश ने कोई बैटल इंडिया में अभी तक लड़ा नहीं था, लेकिन ये फ्रेंच का एक्सपांशन पॉलिसी पोर्चुगीज का पॉलिसी था ही, अल्टीमेटली क्या हुआ वो लोग मुगल दरबार में घुस गए, वहां पे बिजनेस करने का मांगा, कर्नाटका में टिप्पू सुल्तान के पास चले गए, निजामों के पास चले गए, अलग अलग जहाँ पे ब्रिटिश ने ऑलरेडी बिजनेस किया था वहाँ पे फ्रेंच भी घुस गए और उनका कॉम्पिटिशन हो गया, ब्रिटिश और फ्रेंच का जबरदस्त कॉम्पिटिशन हुआ राइट, कि कौन सबसे स्ट्रांग कंपनी बनेगा, यूरोपियन कंपनी कौन सबसे स्ट्रांग बनेगा, और उनके बीच में बहुत झगड़े भी हुए, लड़ाई भी हुए, और एक्चुअली इंग्लैंड और फ्रांस की सदियों से कुत्ते बिल्ली का खेल, इंग्लैंड यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे का हरीफ हमेशा लड़ता रहेगा, उनका बनेगा नहीं। अब वहां तक के एग्जांपल देखो कि इंग्लैंड में अगर राइट साइड पे गाड़ी चलाते हैं तो फ्रांस में लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाता है, फ्रांस ने अगर किलोग्राम का माप एक्सेप्ट किया वजन में तो ब्रिटिश लोग इंग्लिश लोगों ने पाउंड का माप एक्सेप्ट किया। फ्रेंच लोग कॉफी पीते हैं तो ब्रिटिश लोग चाय पीते हैं, यानी उनका बनता ही नहीं, तो उनका बहुत झमेला हुआ, बहुत झगड़े हुए, बहुत वॉर हुए, अल्टीमेटली ब्रिटिश यहाँ पे विनर निकला एंड फ्रेंच को इंडिया से एक्चुअली निकलना पड़ा। सिर्फ पुडुचेरी माहे और चंद्रनगर ये तीन एरिया जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु के आजू बाजू के एरिया में ये तीन एरिया में उनका राज रहा, बाकी सारा में से फ्रेंच लोगों का निकल गया। नाउ ब्रिटिश इंडिया में अकेला पावर बन के बाहर निकला। अब बंगाल में जो ट्रेड हुआ उसके कारण दो बड़े बड़े बैटल हुए ब्रिटिश के, तो उसके बारे में हम बैकग्राउंड बनाते हैं अभी। तो ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली और 1651 में अपना फोर्ट्स इस्टेब्लिश किए। अभी फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको गैरिजन किया यानी दीवार बनाई, यू कैन सी यहाँ पे देखो ये दीवार बनाए ना फोर्ट्स में एंड बाद में जब मुगल एम्पायर औरंगजेब राजा था तब उसका परमिशन उनको मिला टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट, यानी मुगल एम्पायर औरंगजेब के साथ उनकी समझौती हुई एंड जैसे कि सर हम हर बार टैक्स पे करें उसके जगह पे हम आपको साल में एक बार एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, एक बड़ी अमाउंट होगा लेकिन फिक्स अमाउंट आपको दे देंगे और बाद में जो भी हम ट्रेडिंग करें वो हम आप फ्री में करने देंगे, कोई टैक्स हम उसमें पे नहीं करेंगे। तो मुगल एम्परर मान गया और उसके कारण बंगाल में उनका ट्रेडिंग ऐसा हो गया कि वन टाइम एनुअल पेमेंट से उनका पेमेंट चालू हो गया विदाउट टैक्सेस और ये अग्रीमेंट बराबर था उनके लिए। हुआ ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय प्रॉफिट कमाने के चक्कर में था, उनको ज्यादा पैसा कमाना था,
Now, as per the order passed in Bengal, only company avail the benefit of tax-free trading. That tax-free business karega sirf company ko hak tha na. Usko annual payment company was doing. Lekin kuch British officers jo the na, wo private trade bhi karte the, apna side business chalate the. और उसमें भी वो टैक्स पे नहीं करते थे, यानी कंपनी का जो बिजनेस के अलावा उनका साइड का बिजनेस भी होता था और वहां पे भी वो टैक्स पे करना नहीं करते थे कि नहीं हम ब्रिटिश हम टैक्स नहीं पे करेंगे। और उसके कारण क्या हुआ कि बंगाल का टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तो बंगाल का जो नवाब था उस समय मुर्शिद कुली खान, उसने अपोज किया। लेकिन फरमान किसका था? औरंगजेब का फरमान था, तो यहां तक इतना जल्दी सॉल्व नहीं हुआ ये डिस्प्यूट। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान जब राजा बना, बंगाल का नवाब बना, तब भी चालू रहा। एंड अली वर्दी खान के बाद उसका सन जो था सिराजुद्दौला, जब वो राजा बना तब भी ये चालू हुआ। और उसके टाइम में एक बैटल हो गया, उसको लड़ाई करनी पड़ी ब्रिटिश के सामने। सिराजुद्दौला ने अपना दादा मुर्शिद कुली खान को वार्न किया था कि ये बिजनेस करने का जो तरीका है वो बराबर नहीं है, आप एक लोगों को टैक्स से मुक्ति दो, एनुअल पेमेंट लो, बाकी से टैक्स लो, तो उसका वो ब्रिटिश लोग गलत फायदा ले रहे, ये डर्टी गेम्स खेल रहे, डर्टी बिजनेस कर रहे, आप उनको हाथ में रखो। लेकिन कुछ उस समय कुछ नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश और पावरफुल होता गया। एंड सिराजुद्दौला जब नवाब बना तब तक तो वो उनकी बात सुनते ही नहीं थे। तो अभी क्या हुआ, देखो बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं अभी हम। अब सिराजुद्दौला जो था, ही बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। अब उसका पहले से ब्रिटिश से बनती नहीं थी, तो ब्रिटिश ने उसके कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी हेल्प किया बाय कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम, ताकि वो लंबे समय तक बंगाल में राज न कर सके। दे स्टार्टेड प्लानिंग कि कैसे उसको हटाया जाए। कई बार ब्रिटिश और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। बार बार उनको कहने के बाद भी ब्रिटिश ने टैक्स पे नहीं किया, सिचुएशन बहुत हद से बिगड़ गया। एक बार उसने ब्रिटिश को ऑर्डर कर दिया कि उनको अपनी फैक्ट्री के आजू बाजू फोर्ट फोर्टिफाई नहीं कर सकते, यानी मिलिट्री को नहीं रख पाएंगे। दूसरा, उनको टैक्स पे करना है एज पर द रूल एंड ट्रेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड ब्रिटिश फिर भी नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने वॉर किया, उन पर अटैक किया और उनको कलकत्ता से भगा दिया, ब्रिटिश को पूरा भगा दिया, पूरा उनका गोडाउन और उनका बिजनेस सेंटर बंद कर दिया। ब्रिटिश ने क्या किया, काउंटर अटैक किया। अभी रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय एक मद्रास में था, उसके साथ एक छोटी आर्मी भेज दी कि आप जाके बंगाल के ब्रिटिश को हेल्प करो। और रॉबर्ट क्लाइव आया उनको हेल्प करने के लिए। अभी रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत स्मार्ट आदमी था, वो ही सो के डायरेक्ट वॉर करने जाएंगे हम टिक नहीं पाएंगे, हम बहुत कम लोग हैं और वो तो सिराजुद्दौला किले में बैठा है, हम तो दरिया में हो गए या नदी में हो गए, हम वो वॉर टिक नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, ही स्टार्टेड प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स। उसने मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, उनका सेनापति था, उसको एक प्राइवेट में मिला रॉबर्ट क्लाइव और उसको ऑफर किया कि तू मुझे हेल्प कर सिराज को हराने के लिए। और एक बार उसको मार दिया, बाद में मीर जाफर को हम आपको नवाब बना देंगे। और मीर जाफर की दानत बिगड़ गई, उसको नवाब बनना अच्छा लगा, उसको क्या अच्छी अब मैं थॉट कि ये बात अच्छा है, तो नाउ उसने उनका साइड ज्वाइन कर दिया चुप चुप से, ऐसे ओपनली ज्वाइन नहीं किया, वो अभी भी ऐसे दिखावा कर रहा था कि वो सिराजुद्दौला का वफादार सेनापति है। एंड बाद में उसने जब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बोला कि हम अभी आज ब्रिटिश के सामने हम वॉर करेंगे, तो मीर जाफर के हाँ यस हाँ जी नवाब हम तैयार हो गए, कल सुबह हम अटैक कर लेंगे, ब्रिटिश को हम हरा देंगे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वॉर चालू हुआ तो मीर जाफर भाग गया और उसके सपोर्टर्स भाग गए एंड बेचारे सिराज अकेला पड़ गया एंड उनकी आर्मी में पूरा अथराटफी मच गई एंड अल्टीमेटली सिराज को पकड़ा गया और उसको मार दिया गया एंड he was killed. So the first war fought by company in India, it marked the beginning of British rule in India. इसलिए ये war जो है ना उसको turning point बोलते हैं Indian history में, because अभी British को India में एक छोटा पैर अंदर रखने का मौका मिल गया, right? And they also saw कि India में divide and rule बहुत मस्त एकदम रास्ता है,
एक राजा को दूसरे के से लड़ाओ, या एक राजा के अंदर के कुछ लोग हो, उसका भाई, कजिन, सेनापति वगैरह, किसी के ना किसी को फोड़ डालो और उसको यूज करके वो राजा को हटाओ। एंड ब्रिटिश को इंडिया में घुसने का, इंडिया में राज करने का एक मस्त रास्ता मिल गया। अब क्या हुआ, देखो बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ब्रिटिश ने वो प्रॉमिस पूरा किया। रॉबर्ट क्लाइव को भी इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। कुछ समय में ही मीर जाफर का वापस ब्रिटिश के सामने बनना नहीं लगा, बिकॉज ब्रिटिश का बिहेवियर और बिगड़ गया। अभी तो उनको लगा ये तो हमारा पालतू कुत्ता है, हमने उसको मीर जाफर को नवाब बनाया तो हम तो मनमानी करेंगे, जो चाहे वो करेंगे। तो अल्टीमेटली मीर जाफर वापस ब्रिटिश के सामने हो गया, तो ब्रिटिश ने जो उसको भी निकाल दिया, उसको भी रिप्लेस कर दिया, उसको भी मार के उसका सन इन लॉ, उसका जमाई जो था ना मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया। अब ब्रिटिश की यहाँ पे गलती हो गई। मीर कासिम जो था ना एक बहुत एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था, और उसकी तो बिल्कुल बनी नहीं ब्रिटिश के साथ। तो नवाब मीर कासिम और कंपनी के सामने वापस ये प्रॉब्लम अराइज हो गया टैक्स के नॉन पेमेंट के लिए, एंड वापस उनका लड़ाई चालू हो गया, मीर कासिम और ब्रिटिश का वॉर हो गया। तो 1763 में एक्चुअली एक वॉर हुआ मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच में, और मीर कासिम हार गया वॉर में और वो भाग गया, बच गया, वो भाग गया। वो भाग के अयोध्या का नवाब सुजाऊ दावला को जाके मिला। अभी सुजाऊ दावला जो था ना वो मुगल एम्परर शाह आलम का प्रधानमंत्री भी था। तो अयोध्या का नवाब सुजाऊ दावला वो मुगल एम्परर शाह आलम का प्रधानमंत्री था, इसलिए मुगल एम्परर शाह आलम, नवाब ऑफ औध सुजाऊ दावला एंड मीर कासिम की तीनों की आर्मी मिलके, एक्चुअली वो तीनों की आर्मी है थी नहीं, बिकॉज शाह आलम का तो सिर्फ नाम था, सुजाऊ दावला का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, लेकिन बदले में उसने मीर कासिम से 11 लाख रुपए मांगे थे उस समय के, बहुत अमाउंट, बड़े अमाउंट है ये बैटल में सपोर्ट करने के लिए, मिलिट्री का खर्चा निकालने के लिए। और जब मीर कासिम नहीं दे पाया, सुजाऊ दावला ने ज़्यादा सपोर्ट किया भी नहीं, तो एक्चुअली वो सिर्फ नाम का है, वो रियलिस्टिक से इसकी तीनों की आर्मी को ब्रिटिश ने हराया, रियली में तीनों की आर्मी थी ही नहीं, इट वॉज अ वेरी स्मॉल आर्मी और मीर कासिम वो अकेला पड़ गया था। एंड ये तीनों की कंबाइंड फोर्स वी कैन से वापिस बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में ब्रिटिश के सामने खड़ी हो गई। ब्रिटिश उस समय बहुत प्रिपेयर थी, एकदम दे न्यू कि ये कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है, वो प्रिपेयर थे और आराम से ये उनको हरा दिया सामने वाले को। कितना आराम से, सुबह 9 बजे बैटल चालू हुआ, दोपहर 12 बजे तक तो बैटल खलास हो गया था, बिकॉज ब्रिटिश की तोप और गन पावर के सामने ये लोग नहीं टिक पाए। जस्ट इमेजिन, ये इंडियन लोग तलवार लेके, भाला लेके, घोड़े पे वहाँ करके भाग के आते, एंड ब्रिटिश लोग राइफल लेके, तोप लेके सिर्फ खड़े नजदीक आए और दिशा करके आउट, यार वो दे नो मैच फॉर ब्रिटिश, ब्रिटिश वर मोर डिसिप्लिन। अब क्या हुआ, एकाएक बंगाल, अवध, लखनऊ एंड मुगल एम्पायर तीनों ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए, अगर देखे तो इनडायरेक्टली कंट्रोल में आ गए, वो तीनों मिलके आ रहे थे ना। तो नवाब ऑफ, तो ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत तुरंत शाह आलम के साथ समझौता कर दिया, फास्ट समझौता कर लिया, एंड शाह आलम तो तुरंत मान गया, जो भी ब्रिटिश ने बोला वो मान लिया। एंड बदले में ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन स्टेट, तीन एरिया में से राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ब्रिटिश ने ले लिया, और वो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश ने लेके नवाब को सिर्फ टैक्स देने का अपना कमीशन काट के ब्रिटिश ने ले लिया, और शाह आलम ने उनको लिख के दे दिया, बिकॉज वो डर गया था कि ब्रिटिश ने मुझे हराया ये बैटल में, तो अगर और नहीं कुछ किया तो मुझे एक्चुअली आके वहाँ के मारना डाले मुझे। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत इंडिया वापस भेज दिया गया ये सिचुएशन को संभालने के लिए, और उसने ये अग्रीमेंट कराया शाह आलम के साथ। दिस इज हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी था, बिजनेस करने इंडिया आए थे, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभर आई। आप ये देख सकते हैं ये मैप में, 1797 यानी बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद ब्रिटिश लोगों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा जमाया, थोड़ा बहुत ये हैदराबाद के ये साइड पे कराया और मद्रास और साइड पे किया, ब्रिटिश रूल एंड लोकल रूल। एंड बाद में देखो उसके 40 साल बाद देखो पूरा दिल्ली तक पहुंच गए वो लोग, शाह आलम का जो डर था वो सही निकला।
पूरा बंगाल बिहार आधा यूपी दिल्ली पूरा साउथ इंडिया मुंबई तक सब अपने हाथ में ले लिया। एंड 1857 तक देखो और 17 साल में तो देखो ना अलर्ट कर दिया, ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, रेड कम दिख रहा है, येलो कम दिख रहा है। एंड 1857 के बाद 1900 आ रहा था, ये सब भी गायब हो गया। तो वायरस की तरह इंडिया में घुसे, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो एक्टिंग वायरस था, लेकिन एक बार चालू हुआ 1764 में, उसके बाद देखो ना 1847 से 1840 लाइक अ फायर, लाइक अ वायरस दे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। एंड इंडिया में एकाएक वो बड़े रूलर बन के उभर आए। सो दिस कंप्लीट्स द होल लेसन, लेसन नंबर वन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन सुनने में मजा आया होगा, ब्रिटिश के बारे में जानने में मजा आया होगा। हमारे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का शुरुआत है। अभी हम अगले हिस्ट्री का चैप्टर्स में वही देखेंगे कि कैसे इंडिया में वो फैले, कैसे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, कैसे एक्सपैंड हुए, बाद में हम इंडिया वालों ने कैसे फाइट फ्रीडम के लिए फाइट किया वगैरह वगैरह। ये काफ़ी बड़ा अब 8th 9th में हम ये पूरा इंडिया का हिस्ट्री सीखने वाले हैं। यू विल एंजॉय द लॉट। चलो अगले अगले लेसन में नेक्स्ट बाद में मिलेंगे। बाय।